उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जा रही है। इन प्रायोगिक परीक्षा में 52 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। बीएड सत्र 2020 और 22 के दौरान द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का वाहक प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आरिफ राइन ने बताया कि बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी से और DWT महाविद्यालय कानपुर से आए जांचकर्ता परीक्षा के दौरान उपस्थित रहकर छात्र छात्राओं को दिए निर्देशों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यालय के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में बीएड द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा कराई जा रही है। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के प्रोफेसर आरिन की माने तो कॉलेज में दी जा रही परीक्षाएं बीएड पाठ्यक्रम के निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ही संचालित की जा रही है। ये एक अध्यापक का परीक्षक पाठ्यक्रम है। इस प्रशिक्षण को लेने के बाद छात्र छात्राएं बतौर अध्यापक के रूप में विभिन्न कोर्स कर तमाम विद्यालयों के लिए पात्र हो सकेंगे। बीएड सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का वाहक प्रायोगिक परीक्षा है ये, जिसमें पंजीकृत 52 छात्र छात्राएं हैं। इस प्रयोग परीक्षा में संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय ने जो निर्देश हमें संचालित किए थे, उस निर्देश के अनुसार संपूर्ण निर्देशों का पालन करते हुए ये प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। इसमें परीक्षक के रूप में बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी से एवं DWT महाविद्यालय कानपुर से परीक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और उनके निर्देश में यह परीक्षा संचालित हो रही है। परीक्षाएं बीएड पाठ्यक्रम के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में ही संचालित हो रही हैं। ये एक अध्यापक का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राएं अध्यापक के रूप में विभिन्न कोर्सेज में, जैसे GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एडिड इंटर कॉलेज, या केंद्रीय विद्यालय, या नवोदय विद्यालय, या मिलिट्री स्कूल है, इन सब के में आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। साथ में सरकार के निर्देशानुसार जो जूनियर और प्राइमरी के विद्यालय हैं, उसमें भी आवेदन के लिए वे पात्र हो जाएंगे।